ये रानी साहिबा, कितनी मर्तबा हम आपको बता चुके हैं, वो बच्चा हमें जंगल में मिला था, उसने हमारी जान बचाई थी। बस इसके अलावा उस बच्चे के बारे में हम और कुछ नहीं जानते। कब तक छुपाएंगे सच्चाई को? हाँ, जिस दिन सच्चाई का पता चल गया ना, छुपना उस दिन कयामत आ जाएगी। साहिबा, जब पता चलेगा सच्चाई का तब ये सब कीजिए ना, अभी क्यों कर रही हैं? बाहर लोगों को पता चलेगा, बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो आप करवा रहे हैं। आपको पता भी है, लोग दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि वो वीर आपकी नाजायज औलाद है। लोग कुछ नहीं कह रहे हैं रानी साहिबा, ये सब आपका शक की दिमाग कह रहा है। वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ तो वक्त को बताने दीजिए ना, आप क्यों बता रही हैं? सलीम के अबू, जिस दिन सच का पता चल गया ना, ये शादी में तो आप ही लाई थी। हाँ, ये तो हमारी मासा ने दिया था, रहने दीजिए। उसे नाम क्या कर रही है? रुकिए, सुनिए। देखो उर्वशी, अगर तुम जहां पना की वकालत करने आई हो ना, तो यहां से चली जाओ। छोड़िए रानी साहिबा, हम औरत हैं, हम सिर्फ औरतों का साथ देते हैं। हम तो इतना कहने आए हैं आपसे कि आप जो भी सोच रही हैं बिल्कुल सही सोच रही हैं। इसका मतलब ये हुआ उर्वशी कि वो बच्चा सलीम के अब्बू का ही है। रानी साहिबा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी सहेली के साथ ऐसा हो चुका है। पहले उसका पति किसी बहाने से एक बच्चे को घर ले आया, और उसके बाद उसकी माँ को भी ले आया। बेचारी हमारी सहेली। नहीं, आइए वीर बलाइए, आइए आइए, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। बताइए जाबना। अरे बताने लायक तो बात ही नहीं है। तो फिर रहने दीजिए। नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं बता रहे हैं। फिर वो जो जंगल से हम बच्चा लेकर आए थे ना अपने साथ, वीरू, रानी साहिबा को ऐसा लग रहा है कि वो हमारी अपनी औलाद है। अच्छा अच्छा, रानी साहिबा को ऐसा लग रहा है। अब आप बस रानी साहिबा के इस शक को दूर कीजिए। अब ना इसमें परेशान होने की क्या बात है, उस बच्चे के माँ बाप को ले आइए और रानी साहिबा का शक दूर हो जाएगा। अरे उसके बच्चे के माँ बाप के बारे में ही तो नहीं पता हमें, माँ बाप को ही तो ढूंढना है। बीरबल, जल्द से जल्द आप रानी साहिबा के माँ बाप को ढूंढिए। रानी साहिबा के माँ बाप को क्यों ढूंढने? नहीं नहीं नहीं, मतलब बच्चे के माँ बाप को ढूंढिए और रानी साहिबा का शक दूर कीजिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जापाना, इसके लिए आपको हमें विस्तार पूर्वक बताना होगा कि वो बच्चा आपको कब और कहां मिला। हम हमेशा की तरह बगीचे में दौड़ लगा रहे थे और जहाँपना, एक शेर ने हमारे गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। जहाँपना, वो शेर अभी अभी हमारी बकरी को उठा कर ले गया जंगल। घबराइए मत, आज पहली बार एक शेर का शिकार एक सवा शेर करेगा। जहाँपना, सवा क्यों, डेढ़ पौने दो क्यों नहीं? आप हमारा तीर कमान लेकर आइए। जी जहाँपना। आगे मत जाओ, वहां पे आपके दुश्मन छुपे हैं। दुश्मन छुपे हैं मतलब?
आप आगे जाते आपको सागू तो तीर से होता। बेटा आपको ये सब कैसे पता? वो सब छोड़ो, इससे ज्यादा जरूरी तो आपकी जान बचाना है। ये बात भी सही है, ये हमलावर हमें दिखाई नहीं दे रहा, वरना हमारा निशाना अचूक है। ठीक है, हम अभी उसकी आवाज निकलवाते हैं। बादशाह बना रहे हैं, छिपे रहना। हाँ ठीक है। वाह क्या निशाना है। हमारी जान बचाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया बेटा। अब हमें ये भी बता दीजिए कि आप हैं कौन। मैं पिछले कई साल से इस जंगल में हूँ। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि मेरे माँ बाप थे, वो मुझसे बिछड़ गए या वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे पता नहीं, पर मैं अभी भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हम आपसे वायदा करते हैं, हम आपको आपके माँ बाप से जरूर मिलवाएंगे। जा पना करो, बच्चा इतना होशियार है तो जंगल में क्या कर रहा था? हमारा मतलब है जंगल से बाहर निकलकर खुद अपने माँ बाप को क्यों नहीं ढूंढ रहा था? आप ये हमें नहीं पता बीरबल, आप बस उसके माँ बाप को ढूंढिए और जल्द से जल्द ढूंढिए। जी जापना। गिली 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 गप्पा गप्पा गोल गोल गप्पा गप्पा गोल गोल गिली 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 गप्पा गप्पा गोल गोल गप्पा गप्पा पापा। आपको कोई बड़ों के खेल नहीं आते? बड़ों के खेल जैसे शतरंज, चौसर? आते हैं वो भी खेलेंगे। जापना कीजिए, हो दो फरियादियां हैं। हाँ तो लाइए उन्हें, फरियादियों से ही मिल लेते हैं आज। है जापना, मेरा नाम झनकू है, अंदर आइए। हम अंदर ही हैं, अंदर आपको आना था और आप भी अंदर आ चुके हैं, आप अपनी फरियाद बताइए। जापना मेरा नाम मनकू है, बाहर जाइए। ये हमारा महल है, हम बाहर क्यों जाएंगे? अगर बाहर किसी को जाना है तो आप जाएंगे, आप जाइए। नहीं नहीं जापना, मेरा तकिया कलाम है, बाहर जाइए। ओफो, ये कैसे तकिया कलाम लेकर आ गए हैं आप दोनों? आप अपनी फरियाद बताइए, हुआ क्या? जापना मुझे मुआवजा चाहिए, इस मनकू ने मेरी भैंस का धर्म भ्रष्ट किया है, लोग उसका दूध नहीं पीते हैं, अंदर आइए। अरे नहीं 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 नहीं, झूठा, ये जनकू सरासर झूठ बोल रहा है जापना, बल्कि इसकी भैंस ने मेरी मुर्गी मार दी, मुझे उसका मुआवजा चाहिए, बाहर चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा मेरी भैंस का धर्म भ्रष्ट हुआ। अरे अरे देखो तो, इस वीरू की और जापना की कौन कौन सी हरकतें मिलती है, और उसे देखो ना। अरे बाहर जाइए, अरे अंदर आइए, अंदर आइए, बाहर जाइए। आवाज खरगोश, जापना अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसका फैसला करूं। आप फैसला करना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हाँ बेटा क्यों नहीं, कीजिए आप फैसला कीजिए। जापना एक जीव के लिए जान और माल दोनों जरूरी है, पर जान से ज्यादा उसके लिए और कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए मुआवजे की रकम उससे मिलनी चाहिए जिसकी मुर्गी मरी हो। वाह वाह छोटे उस्ताद, वाह वाह। छोड़िए रानी साहिबा, इसकी चाल ढाल और हरकतें तो बिल्कुल बीरबल से मिलती है, देखिए। हाँ वही तो, उर्वशी बिल्कुल बीरबल है। अरे उर्वशी कहीं जा रही हैं आप?
छोड़िए, हम अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। अच्छा, कब जा रही है? मतलब कब वापस आएंगी? छोड़िए, ये हम नहीं जानते कि हम कब जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कभी वापस नहीं आ रहे। क्यों? क्यों? अरे क्या समझा था हमने आपको और क्या निकले आप? क्या समझा था आपने हमें और क्या निकले हम? उस बच्चे की हरकतें और चाल ढाल आपसे मिलती। कैसे? हमें क्या पता? अच्छा, हमें पता है। दो लोगों की हरकतें और चाल ढाल तब मिलती हैं जब वो दोनों बाप और बेटे होते हैं। अच्छा 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 बताइए बताइए, हमें क्या रिश्ता है आपका उस बच्चे के साथ? क्या रिश्ता है आपका? हमारा हमारा रिश्ता उस बच्चे के साथ? ऋषि, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हम आपको गलत समझ रहे हैं? अरे लेकिन 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 क्या? ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने उस बच्चे को यहाँ भेज दिया। अरे पर वो क्या, पर वो क्या? ऊपर वाले ने हमारी आंखें खोल दी। अरे उर्वशी 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 पूछ जाइए उर्वशी को, हम जा रहे हैं। अरे हे बच्चे, यहाँ गोला बारूद और शस्त्र रखे हुए हैं, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? धीरे बोलो, वरना सलीम और वासु भैया आके हमें पकड़ लेंगे। हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। पकड़ लिया, शाही खून है हम। नहीं, ये बेमानी है, इस सैनिक ने हमें रोका, वरना आप हमें नहीं पकड़ पाते। अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या जरूरत थी इसको रोकने की? हम इसको भी पकड़ने ही वाले थे, मुझे पता है कि तुमने हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। हुजूर, यहाँ शस्त्र रखे हुए हैं, यहाँ पे अन्य लोगों का आना वर्जित है। छोड़ो, हम कोई और खेल खेल लेते हैं, हमें खेल नहीं खेलना। चलो तुम दोनों चलो चलो, अब तुम दोनों मेरी एक पहेली का जवाब दो। शाही कौन है हम तुम्हारी पहेली का जवाब यूं तुम्हें दे देंगे। पूछो। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। ऐसे जवाब नहीं मिलेगा, दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। ओ जोर, शाही कौन है हम? वासु, तू हमारे दिमाग पर जोर लगा, हम तेरे दिमाग पर जोर लगाते हैं। हाँ, आ जा। आ गया आ गया आ गया, हमारे पास आ गया। अरे कहाँ गया कहाँ गया? अरे मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास। अरे ऐसे कैसे तेरे पास आ गया? द्वारकाधीश जी उठिए, उर्वशी को बैठने दीजिए। आज ये सलीम के अब्बू। हाँ हाँ, जिला इलाही, जिले इलाही, जिले इलाही, रानी साहब, जिले इलाही। आपको समझ में आ गया ना? हा? आपको समझ में आ गया? हाँ। तो मुद्दे की बात करें अभी। ये वीरू के माँ और बाप का कुछ पता लगा? बीरबल, ये वीरू के माँ और बाप का कुछ पता लगा? जा बना, अभी तक तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे। छोड़िए, हम जानते हैं कि आपकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। जहां पर ना, ये हमारी इल्तिजा है आपसे कि आप इस मामले की तफ्तीश किसी और से करवाइए। मेरे लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ है? मेरे प्यारे, मेरे दुलारे। कहाँ चला गया था तू? है पीरू, कहाँ था तू? छोड़िए मुझे, मैं आपका लाल वाल नहीं हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये बच्चा जब ये कह रहा है कि आपका लाल नहीं है, तो आप कौन हैं जो जबरदस्ती से अपना बच्चा बना रही हैं? जहाँ पर ना, ये मेरा ही बेटा है, मगर इस वक्त मानने से इनकार कर रहा है। दरअसल ये यहाँ आपसे बदला लेने के लिए आया था, आपको मारने के लिए आया था। अच्छा, हम क्या क्या कह रहे हैं आप? ये इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा हमें क्यों मारेगा? क्योंकि इसके पिताजी हम दोनों को छोड़कर सारी जिंदगी आप ही की सेवा में लग गए, और आपके इस राजमहल में ही पड़े रहते हैं। छोड़िए, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। अरे बच्चे को नहीं,
बातें बनाना छोड़िए और ये बताइए इसके पिताजी है कौन? बीरबल। क्या? क्या कह रही हैं आप? आप जानती भी हैं कि आप किस पर इल्जाम लगा रही हैं? जा बना, ये सच कह रही है। क्या? ये सच कह रही, ये हमारी धर्म पत्नी और ये हमारा बेटा है। हाँ ऋषि, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा यहाँ तक पहुंच जाए। नहीं, ये झूठ बोल रहे, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। बेटा गुस्सा थूक दीजिए, आप भी जानते हैं कि हम ही आपके पिता हैं। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो। देखो बेटा, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके और आपकी माँ के साथ घर चलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो, नहीं हो। अगर हम आपके पिता नहीं है तो आपकी सारी हरकतें हमारे जैसे कैसे हैं? क्योंकि मुझे 6 महीने तक अभ्यास करवाया था कि आपकी तरह हरकतें करने के लिए। तो बेटा अब हमें ये भी बता दीजिए कि 6 महीने तक आपको अभ्यास किसने करवाया था और क्यों करवाया था? बीरबल ये सब है क्या? कौन है ये बच्चा? ये बच्चा सच कह रहा है जापना, हम इस बच्चे के पिता नहीं, ना ही ये सुलोचना जी हमारी पत्नी है। ये तो हमारी पुरानी मित्र है और हमारे कहने पर उन्होंने सारा नाटक किया था। दरअसल जापना ये बच्चा एक जासूस है और कुंभार के राजा ने इसे सारा खेल सिखाकर यहां भेजा है। बीरबल, इतना छोटा बच्चा जासूस? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा रानी साहिबा कि इतना मासूम बच्चा जासूस हो सकता है, पर फिर हमने इसकी हरकतें देखी और हमें शक हुआ। हमने इस पर नजर रखी और हमने देखा कि ये चोर सिपाही खेलने के बहाने बार बार शस्त्रागार में आता जाता रहता। इसकी सारी असलियत तब हमारे सामने आई जब जंकू मंकू नाम के दो फरियादी हमारे दरबार में आए। इसने उनका फैसला किया और फिर हमने उन दोनों का पीछा किया। देखा सबको कैसे पागल बनाया, सब हमारे जासे में आ गए। क्यों भाई झंकू मंकू, फैसला होते ही हिंदुस्तान छोड़कर भागने का इरादा कर लिया? नहीं हुजूर, हम तो बस यूं ही सैर करने आ गए थे। सैर करने आ गए, वो भी सरहद किनारे, और वो भी दोनों दोस्त एक साथ? हुजूर, इसका मतलब है कि दोनों दुश्मन एक साथ। देखिए जो भी है हमें सच सच बता दीजिए, वरना सच्चाई निकलवाने के और भी तरीके आते हैं। हुजूर, सच्चाई बचाई छोड़िए, इन दोनों को यही दफन करके खत्म कर देते हैं। हुजूर, इसका मतलब है कि खत्म करके दफन कर देते हैं। नहीं राजा बीरबल, हमें माफ कर दीजिए, हम सब कुछ आपको सच सच बताने को तैयार है। वो बात दरअसल ये हुई कि जब हम आप दोनों के राज्य में आए तो हमने राजा जी को कहा कि हम दोनों को, मेरी मुर्गी मर गई है और इसकी भैंस, तो मुझे मुआवजा दीजिए। पर हुआ ये कि हम दोनों ने आपको बेवकूफ बनाया, पर आपने हमें पकड़ लिया। आप महान है, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। तो बताइए छोटे मियाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने वही किया जो मुझे मेरे सौतेले बाप ने करने के लिए कहा। वो राजा कुंभार के बहुत खास सिपहसालार हैं। शुरू में जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन जहाँ पर ना, हमें ये समझ में नहीं आया कि पहले ये बच्चा ऐसी हरकतें करता था जिससे ऐसा लगे कि ये आपका बेटा है, लेकिन बाद में ये ऐसी हरकतें करने लगा जिससे ऐसा लगे कि ये बीरबल जी का बेटा है। क्यों? मुख्तसर सी बात है उर्वशी, ताकि हमारी बीवियां हम पर शक करती रहें और हम इन्हीं बातों में उलझे रहें और इस बच्चे की हरकतों पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान ना जाए, और ये बड़े आराम से हमारे शस्त्रों की जानकारी कुंभार के राजा तक पहुंचा सके। जापना, अब इस मासूम बच्चे का क्या करें? जापना, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे मेरे सौतेले बाप के पास मत भेजिए।
बेटा अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, आपकी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी। अरे वाह, शाही खून है हम। ऊपर। अब हुजूर, अब हम दो से तीन हो गए। अब हम तीनों मिलके दिन रात चोर सिपाही खेलेंगे। ला 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 ला